जीव का स्वभाव आनंद है। वह आनंद स्वरूप है। जीव की मूल सत्ता में आनंद से इतर अन्य कुछ नहीं है। जो जीव की मूल सत्ता है उसमें आनंद है, सत्य है, नित्यता है। जो हमारी मूल सत्ता है, जो हमारा मूल अस्तित्व है, वह सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, वह अखंड है, अव्यय है, सनातन है, वह नित्य है। मन को आनंद की अनुभूति नहीं होती, मन को केवल सुख और दुख की अनुभूति होती है। मन आनंद से अपरिचित है, आनंद से अनभिज्ञ है। मन को आनंद का पता नहीं होता। मन केवल सुख दुख जानता है, जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान। जैसे देह के केवल दो ही धर्म हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम। देह के पास केवल जन्म और मृत्यु यही है। जो कुछ भी देह में है, मांस मेद रुधिर मज्जा रक्त वीर्य रस कोशिकाएं ऊतक आकृति इसकी द्वितीय कांति नवलता इसकी विविध भंगिमाएं और अनेक कलेवर और अवस्थाएं जन्म से लेकर अंत तक निरंतर जन्मती है और मरती है। अनेक कोशिकाएं इसलिए देह का एक ही धर्म आवागमन आवागमन आना और जाना। उस देह के धर्म को निभाती हैं सांसें। देह का धर्म क्या है? सांसें बताती हैं, प्राण बताते हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। श्वास का आना और जाना यह देह धर्म का परिचय है, यह देह का सत्य है, शरीर का यही सत्य है। श्वास आ रही है और जा रही है, आवागमन। तो देह में या तो जन्म है, उसमें विकास है, ह्रास है और अंत है। देह इससे इतर कुछ नहीं है। जन्म है, फिर धीरे धीरे शने शने विकास है, फिर देह में ह्रास है, देह का अंत है। इस स्थूल शरीर से और अंदर चले तो मन है। जैसे सुख दुख मान अपमान यश अपयश हानि लाभ इतना ही आता है उसे, हर्ष अमर्ष। भय उद्वेग हताशा दैन्य निराशा अथवा तो अभाव, कभी हर्ष में है कभी अमर्ष में है। मन कभी बहुत सुख में है कभी दुख में है। लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हम मन नहीं है, मन बदलता है। मन विचार का नाम है, मन कामना है, कल्पना है, स्पृहा है, लालसा है, ऐषणा है, वासना है, ग्रहण है और त्याग है।
तो जो मेरी सत्ता है वो ग्रहण त्याग नहीं है, कल्पना विचारणा स्फुरणा से इतर है कोई। तो एक देह, फिर एक सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर, फिर तीसरा कारण शरीर। तो जो मूलत है हमारा अस्तित्व है, जो हमारी सत्ता है वो आनंद की है।